सो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम एक नया टॉपिक ले आए हैं हमारे चैनल के प्रिंस ऑफ रोज आर्ट स्कूल में, मतलब प्रिंस ऑफ रोज आर्ट स्कूल में। तो पिछला वीडियो तो देखा ही होगा कि हमने प्लास्टिक क्रियॉन से ड्राइंग किया था, और आज हम 3D पेंटिंग करने वाले हैं। मतलब कि बाद में समझाऊँगा। तो पिछला वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, 14 मिनट का हो चुका था। ये वाला वीडियो मैं उतना बड़ा नहीं बनाना चाहता, तो मुझे एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस वीडियो को हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे पेज में, और 3D पेंटिंग बनाने के लिए हमको चाहिए एक पेंसिल, एक इरेजर, एक ब्लैंक पेपर और स्केच पेंस या मार्कर्स। मार्कर्स हो तो अच्छा है, पर मार्कर्स अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए हमको स्केच पेन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको पेंसिल से हल्के से एक ड्राइंग बना लेनी है। दोस्तों, तो देख लो, मैंने बहुत ही हल्के से एक ड्राइंग बना ली है। अभी इसको हमको स्केच पेन से एक चीज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं रूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है। दोस्तों, मेरा ट्राईपॉड आ जाए तो अच्छा है। सो अभी आपको क्या करना है, बहुत लोग 3D पेंटिंग जानते हैं, पर जो जानते नहीं है वो ध्यान से देख लो। 3D पेंटिंग में ये जो होते हैं, इनके यहाँ से रूलर से ऐसे स्ट्रेट लाइंस खींचनी पड़ती है। और दोस्तों, ऐसे ही लाइंस खींचे जाने पड़ते हैं, और एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हर लाइंस में ज़्यादा गैप्स ना हो। मुझे अभी जल्दी जल्दी करना है, इसीलिए मेरा थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है, पर दोस्तों आप लोग ठीक से करना। देखिए, ऐसे आपको लाइंस खींचे आने पड़ेंगे, पर दोस्तों आप घर में रूलर का इस्तेमाल करना, ओके? ओहो, मिस्टेक हो गया। दोस्तों, तो ऐसा होगा। अब ऊपर वाला पार्ट, अब ऊपर वाला कार्ड क्यों बोल रहे हो, मैं पार्ट हम ब्लैक से करेंगे। दोस्तों, तो अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इरेजर लेके इन सबको मिटा देना है, जो बाहर के लाइन से उन सबको आपको मिटा देना है। दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि उसी का शेप फिर से आ चुका है। मेरा थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसीलिए इस जगह पे एक और छोटा सा लाइन ड्रॉ करना पड़ता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, इसलिए पूरा नहीं लग रहे। पर एक बात, ये ग्लास है कि मग है मुझे पता नहीं। सो
अब दूसरे की चीज़ किसी की बोल रहे हो, दूसरे किसी चीज़ का हम दिखाते हैं, जैसे कि ये तो एक सिंपल सा स्टील लाइफ है। अगर आप किसी ट्री को करने जाए, ऐसा अगर ट्री है सोचिए, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ट्री का जो भी कलर आप देना चाहते हैं उसी कलर से ये लाइंस खींचते जाइए। दोस्तों घर पे आप इसको रूलर से करना, मेरा हाथ में कैमरा है इसीलिए मैं रूलर से नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोग इसको रूलर से करना। और दोस्तों अगर इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका जवाब दूंगा। दोस्तों ऐसे ही आपको सब चीज़ों में ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। सो आज का तो यहीं पर ख़त्म हुआ, पर नेक्स्ट दिन हम फिर आएंगे। तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और नहीं पसंद आया तो भी लाइक करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना। और अगर मेरे ऐसे और भी ड्राइंग्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में मुझे फॉलो करिए, और ऐसे ड्राइंग्स और देख लीजिए। और हमारा शॉर्ट फिल्म चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी बहुत सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबका लिंक है, लिंक से भरा पड़ा हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन। और आस्ते पिलफुल नहीं है, कैसे बनाओ पिलफुल वो छोड़ दो, कल भी तो नहीं था, रिलेटेड बना दिया आज भी, सॉरी मैं बता क्यों दिया। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन हम फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएंगे। सो आज के लिए गुड बाय। दोस्तों एक बात तो बताना भूल ही गया कि अगर कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चंस बताना, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या Q&A वीडियो करूंगा। और हमारा ट्राइपॉड आया तो अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर करूंगा, मैं ब्लॉग शूट आउट भी कर रहा हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास बेल आइकन है उसको दबाइए, और चले आइए।